एवरीवन, तो मेरे प्यारे दोस्तों, कंपार्टमेंट पत्राचार रिपीटर्स जितने भी कैंडिडेट्स हैं और आप सब लोग, अगर आप वेट कर रहे हैं आपके कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम को लेकर, तो आपके लिए होगी अपडेट। और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने जगह पे नहीं हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा फिर से ऐसे बैकग्राउंड के लिए, और शायद वन मंथ आप लोगों से माफ़ी मांगता ही रहूँगा। ऐसे में जो अपडेट आई है आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक अच्छी है, पर साथ ही साथ आप लोगों के ऑन डिमांड, मेरे प्यार दोस्तों, आपके कई सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कंपार्टमेंट पत्राचार रिपीटर्स के कि भैया आप लोग अपडेट देते जा रहे पर आउटकम कुछ नहीं है। आप लोग बिल्कुल सही हो। कब ममता शर्मा मैम का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा और कब हम सुनेंगे कि हमारा एग्जाम कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल सही हो। साथ ही साथ मेरे प्यार दोस्तों, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है और आप पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आप बस वेट कर रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ, आप बस वेट कर रहे होंगे कि कब हमारा जो है डेट आए ताकि हम रिलैक्स हो जाएं, कि कब हमारा पता चल जाए कि हाँ हमारा एग्ज़ाम फाइनली होगा तो हम अपनी पढ़ाई पे फुल्ली फोकस हो सकें। तो जस्टिस होगा नहीं होगा ये लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा थोड़ा परेशान है, पर मेरे प्यारे दोस्तों मैं इतना कहूँ कि हाँ आपके साथ जस्टिस होगा, साथ ही एज ए एल्डर ब्रदर आपको सपोर्ट करते हुए आप अपना पढ़ाई भी जारी रखें। और अच्छी खबर मैं आप सबको बताऊं, तो जितने भी स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, स्टेट के कैंडिडेट्स मतलब स्टेट बोर्ड के, जैसे यूपी, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, मतलब जितने भी अदर हैं, माफ़ करें दोबारा रिपीट हो गया, तो इनके भी कंपार्टमेंट पत्राचार, जैसे गुजरात पेरेंट्स एसोसिएशन ने सपोर्ट किया खुद के स्टेट के आपका कंपार्टमेंट पत्राचार रिपीटर्स को, उनका मैटर उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में डाला कि एग्ज़ाम कैंसिल करिए। तो सीबीएसई अगर आपका एग्ज़ाम कैंसिल करती है तो बाकी सारे स्टेट के कैंसिल हो जाएंगे। वहीं अगर हम ध्यान दें तो आई डोंट नो मेरे प्यार दोस्तों क्यों गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, एनआईओएस बोर्ड का कंपार्टमेंट पत्राचार रिपीटर्स के एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं। मार्किंग स्कीम है उनका, क्लास 10 एंड क्लास 11 के जो स्कोर है उससे उनका रिजल्ट बनेगा। तो कितना अच्छा प्रॉफिट, और मतलब इसको कहते हैं राइट डिसीजन, पर आपके साथ क्या प्रॉब्लम है हमें समझ में नहीं आ रहा है। और मैं आप सबको बता दूं कि गुजरात पेरेंट्स एसोसिएशन के बाद एक सपोर्ट हमें मिलना चाहिए, वो है आयसा का सपोर्ट, दैट इज़ आप सबको पता होगा ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन का। और एक चीज़ है कि गवर्नमेंट का कहना है कि ये सारे बच्चे 18 प्लस हैं, तो 18 प्लस में बहुत सारे बच्चों को वैक्सीनेशन हुआ नहीं, साथ ही साथ वैक्सीनेशन ना होने के कारण, और आप लोगों में कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 18 हैं या 20 के नीचे हैं, तो वो वैक्सीनेटेड नहीं है। तो अगर कोविड होता है तो क्या गवर्नमेंट इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? एनीवेज मेरे प्यार दोस्तों, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो इस छोटी सी वीडियो को जरूर यूज़ करिए और मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता हूँ। क्या आपको पढ़ाई में डाउट आते हैं? तो मेरे प्यार दोस्तों, 5 सेकंड के अंदर आपको मिल सकती है इसकी सलूशन। बस आपको क्वेश्चन की फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करनी है और अपलोड कर देनी है, और 5 सेकंड के अंदर आपको मिलेगी सलूशन। चाहे आपका क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, सीबीएसई बोर्ड, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी एंड अदर स्टेट का हो, चाहे क्लास 6 to 12 का हो या आईआईटी, जेईई, नीट का हो, आपको बस क्रॉप करनी है, क्लिक करनी है और आपको सोल्यूशन मिलेगी। उसी के साथ डाउट नेट पर चल रही है 6 to 12 आईआईटी जेई नीट का लाइव क्लासेस हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, तो अभी डाउनलोड करें और पाएं डबल बेनिफिट। थैंक यू सो मच, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप सबको आज की सुबह के वीडियो में बताया था कि आज आपके लिए कुछ अच्छा आ सकता है निकल कर, जो कि है ममता शर्मा मैम हमें रिपोर्ट करेंगी। इतना पता चला है कि वो ऑफिशियल्स के कॉन्टैक्ट में थी, मतलब अपने जितने भी उनका टीम है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जो वो आपको पता है कि रिव्यू पिटीशन कोई मजाक नहीं होता है, बहुत बड़ा केस होता है कि आप एक केस को दोबारा लेकर आ रहे हैं। और सीबीएसई का हमेशा से ऐसा नाटक रहा है, हमेशा से, कि एक बार कोई केस करता है तो वो हमेशा खारिज करवा ही देते हैं, पर दूसरी बार कोई ऐसा करता है तो सुप्रीम कोर्ट भी सपोर्ट करती है और सीबीएसई को हार मान जाना पड़ता है। तो एक पॉजिटिव रिपोर्ट कहीं ना कहीं आ सकती है, बट मैम अपनी कोशिश में लगी हैं, बस प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स के इतने सारे अदर केसेस भी पेंडिंग में हैं। मतलब आप ये चीज़ जाननी है कि कितना अभी प्रॉब्लम है, मतलब सब कोई का एक ही मैटर है कि कैंसिल एग्जाम और सेव स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को बचाने के लिए ही ये मैटर चल रहा है और कुछ नहीं है, और कोई मैटर नहीं है, कोई बच्चा एग्जाम से नहीं भाग रहा है। अगर कोई कह रहा है, आप खुद बताओ, अगर आपको वैक्सीन दिया भी जाता है तो क्या आप फुल्ली सेफ हो इस कोविड-19 में? जाओगे एग्जाम दोगे, एक तरफ जहां गवर्नमेंट ब्लेम कर रही है स्टेट को कि अगर बच्चों को कुछ हुआ तो आपको दायित्व लेना होगा, वहीं पे आप खुद ही स्टूडेंट्स को फोर्स कर रहे हो जाकर एग्जाम देने के लिए। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जितने भी ऑफिशियल्स हैं, और ऐसा ना हो, बच्चों के साथ जल्द से जल्द जस्टिस हो जाए, और मैं भी नहीं चाहता कि और आपको ज़्यादा, मतलब डेट पे डेट, अब होगा कैंसिल इतना करना पड़े। आई होप कोई आउटकम ममता शर्मा मैम दे दें जल्द, आज रात को कोई ट्वीट उनका आ जाए या सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आ जाए या कुछ पता चले तो मैं आप सबको बताऊंगा। आप लोग पैनिक बिल्कुल ना हो, ठीक है, पैनिक बिल्कुल ना, हम लोग हमेशा थे, आपके साथ आगे भी रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली अपडेट में।